इरशाद के लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, कल सोनमर्ग में एक सड़क हादसा पेश आता है जिसमें एक टूरिस्ट गाड़ी जो है वो नाला सिंध में गिर जाती है और उसके बाद कल तक बताया जा रहा था कि 4 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हो गए हैं। आप देखिए कि वेदर कंडीशंस इतनी खराब है कि ऐसे में हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप ट्रैवलिंग ना करें, लेकिन आप देखिए कि कल ही ये हादसा जो है ये यहाँ पर पेश आया है सोनमर्ग में। ये हादसा कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो है ये सोनमर्ग की ओर जा रही थी जिसमें कुछ टूरिस्ट सवार थे और कल तक बताया जा रहा था कि 4 लोगों की मौत हो गई है। और अभी अभी ये अपडेट आया है कि अभी एक और की बॉडी को वहां से रिट्रीव किया गया है और टोटल टोल जो है वो 5 हो गया है, यानी कि 5 लोगों की जाने इस सड़क हादसे में जो है वो चली गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि वो आपको थोड़ा सा दिखाए। आप देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, जैसा कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। वहां की अगर लोकल पुलिस की बात करें या हम SDRF टीम की बात करें, ट्रैफिक रूलर डिपार्टमेंट की बात करें, तो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ये विजुअल्स जो है ये उसी इलाके के हैं जहां पर वो गाड़ी जो है टूरिस्ट गाड़ी वो नीचे गिर गई। वहां पर आप देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। एक बार जो नाज़रीन आप हमें देख रहे हैं, आप हमारा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि कल सोनमर्ग में एक सड़क हादसा पेश आता है जिसमें एक टूरिस्ट गाड़ी जो है वो सोनमर्ग की ओर जा रही थी और वहां पर वो नाला सिंध में गिर जाती है। उसके बाद कल तक बताया जा रहा था कि 4 लोगों की मौत वहां पर हो गई है और अभी अभी इसमें ये अपडेट आया है कि अभी एक और की बॉडी को वहां से रिट्रीव किया गया है। 2 लोग मिसिंग थे जिसमें से एक की बॉडी को वहां से रिट्रीव किया गया है और PSC सोनमर्ग उसको मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भेजा है। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप देखिए अभी भी कितनी बारिश हो रही है, वेदर कंडीशंस खराब है, मौसम खराब है, ऐसे में चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, ऐसे में फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि क्या होता है बीच में एवलांस होते हैं। हमने कल ही देखा गुलमर्ग सोनमर्ग में कितनी बारिश हुई वहां पर फिर से। ये तो प्लेन्स का हाल है, आप देखिए कि यहाँ पर वाटर लेवल इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बड़ा इलाकों की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे में हम आप तक फिर से कहते हैं कि वेदर अपडेट इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपके जितने भी प्लान्स होंगे वो आप वेदर के अकॉर्डिंग ही करें। आप देखिए कि जो लोग नेशनल हाईवे के लिए निकलते हैं फिर आगे जाके लैंडस्लाइड्स होते हैं, मडस्लाइड्स होते हैं, उसके बाद उनको ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप अब कल की ही बात ले लीजिए, या कल की नहीं हम गंडवल की बात करें, उस दिन भी मौसम काफी ज्यादा खराब था। एक कश्ती में 19 लोग सवार थे और 19 के 19 लोग पानी में गिर जाते हैं, जिसमें से हमने देखा कि कितनी सारी मौतें जो है, कितनी सारी लोगों की जाने जो है वो वहां पर चली गई। अब आप देखिए कि अब आप कल की ही बात ले लीजिए, कल सोनमर्ग में ये हादसा पेश आया कि टूरिस्ट गाड़ी जो है वो सोनमर्ग की ओर जा रही थी, उसके बाद वो नाला सिंध में गिर जाती है जिसमें अभी तक लगभग 5 लोगों की जाने चली जाती है और एक अभी भी मिसिंग है। वही अगर हम SDRF टीम की बात करें, हम लोकल पुलिस की बात करें, हम ट्रैफिक रूलर डिपार्टमेंट या पुलिस की बात करें, लोकल्स की बात करें, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है, सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है और अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि एक जो मिसिंग है उसकी बॉडी भी जल्द से जल्द मिल जाए। दिगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिर इरशाद के लिए कैमरा पर्सन आरके मुगल के साथ महबूबे।